लेट्स गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के वाई 12 डिवाइस के अंदर आप बैटरी सेवर का यूज कैसे कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है बैटरी ड्रेन बहुत ज्यादा हो रही है, तो बट डोंट वरी गाइस, आज हम आपको कुछ ऐसे प्रो टिप्स देंगे जिससे आप अपनी बैटरी पावर को सेव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन के लिए कर सकते हो, नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं भी नहीं होता। जब भी आप अपनी बैटरी पावर को सेव करेंगे दोस्तों, हालांकि वीडियोज आपको यूट्यूब पे काफी सारी मिल जाएंगी जो ये क्लेम करती है आप अपनी बैटरी को 24 घंटे या फिर 25 घंटे या फिर दो दिन, चार दिन चला सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस ले लीजिए, हालांकि आपको एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का कि आपका जो फ़ोन है अगर वो एंड्रॉयड है और आप उस पर इंटरनेट एक्सेस करते हैं, फ़ोन को कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते हैं, तो आपका जो फ़ोन है अपक्रॉस आपका 7 से 8 घंटे चलेगा, फिर 6 घंटे भी वो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे प्रो टिप्स दूंगा जो आपके ऐसे इमरजेंसी केसेस में आप उसमें बैटरी पावर को सेव कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, आपको वहाँ पर चार्जिंग पोर्ट नहीं है चार्ज करने के लिए, आपकी बैटरी जो है 10% या फिर 20% है, तो ऐसे केस में कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं जिससे आप अपनी बैटरी पावर को सेव कर सकते हैं, उसमें आपका बैटरी ज़्यादा यूज नहीं होगा। तो चलो हम दिखाते हैं कौन सी सेटिंग्स हैं गाइस, कैसे आप उसे यूज करेंगे अपने फोन के अंदर। तो गाइस इसे यूज करने के लिए आपको जाना होगा फोन सेटिंग के अंदर। हालांकि हर एक कंपनियां अपने डिवाइसों के अंदर एक बैटरी का ऑप्शन देती ही है ताकि आप उसका यूज करके अपनी बैटरी पावर को सेव कर सके, ना कि एप्लीकेशन रिकमेंड करती हैं। एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड करते हो वो आपके बैटरी की हेल्थ, इवन बैटरी के मॉडल नंबर्स वगैरह के बारे में जानती हैं, ना कि वहां से आपकी बैटरी को सेव करती है। एप्लीकेशन खुद बैटरी पे डिपेंड होती है तो बैटरी क्या ही सेव करेगी। हालांकि सेटिंग्स जो होती है वो बैटरी से सेव कर सकते हो, क्योंकि सेटिंग्स के अंदर आपका डिस्प्ले का कंट्रोल होता है, इवन गाइज आपकी जो ब्राइटनेस होती है, जितने भी इसके अंदर के फंक्शंस और फंक्शंस होते हैं उस पर सबका कंट्रोल होता है सेटिंग्स का। तो आप इससे बैटरी पावर को सेव कर सकते हो, ना कि किसी एप्लीकेशन से। तो मैं क्या करूंगा, सेटिंग्स को आप ओपन करना, मैं आपको कुछ डेमो दिखाना चाहूंगा, इससे कुछ शॉर्टकट दिखा देता हूं ताकि आप उसको इजीली यूज कर पाए और अप्लाई करें अपने फोन के अंदर। आपको आना है बैटरी वाले सेटिंग्स के अंदर। मोस्टली क्या होता है, शॉर्टकट के अंदर ही बैटरी का ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, इसको जस्ट क्लिक करिए। अब यहां पर आएंगे तो अभी हमारा करंट बैटरी लेवल देख सकते हो 19% है, हालांकि ये अभी लो है, मैं इसको चार्ज नहीं किया था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां पर नॉर्मल मोड, लो पावर मोड, सुपर पावर सेविंग मोड और पावर कंजप्शन रैंकिंग हाई बैकग्राउंड पावर कंजप्शन, ये जो है 3-4-5 ऑप्शंस है। ये 4-5 ऑप्शंस में आपको 2-3 ऑप्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहला हमें मिलता है लो पावर मोड, दूसरा है सुपर पावर सेविंग मोड, तीसरा हाई बैकग्राउंड पावर कंजप्शन का। तो ये करते क्या है, देखो लो पावर मोड में हम जैसे ही स्विच करते हैं, अगर अब हमें जरूरत पड़ चुकी है लो पावर मोड की, वो इसलिए क्योंकि अभी जो है हमारा फोन 90% है, तो इसलिए हमें लो पावर मोड की जरूरत यहां पर पड़ रही है। तो मैं लो पावर मोड में जैसे ही स्विच कर दिया, अब यहां पर देखेंगे तो हमारी बैटरी की जो आइकन है वो अभी येलो हो चुकी है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारी जो ब्राइटनेस है वो भी काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। अगर ब्राइटनेस देखेंगे तो यहां पर डाउन हो चुकी है और हमारे पास एक ये हाईलाइट यहां पर हो रहा है। अब इससे क्या होगा कि जब भी आप लाइट में जाएंगे तो आपकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, फुल होती जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको करना नहीं है। जैसे आप नाइट में शिफ्ट होंगे रात में समय, ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो मेंटेन होती है। जब ब्राइटनेस कम होगी तो वहाँ पर डेफिनेटली आपकी बैटरी पावर सेव होगी। अगर आपका ब्राइटनेस तेज होगा तो वहाँ पर आपका बैटरी जो है ज़्यादा ड्रेन होने के चांसेस होते हैं। तो पहले कंडीशन में नॉर्मल मोड हमारे पास ये आता है, हालांकि मैं अभी स्विच कर लेता हूँ नॉर्मल मोड में, लो पावर मोड में यही होता है। इससे आप देख सकते हो इसमें आपको मेंशन मिल जाएगा होस्ट पोर्ट लॉक स्क्रीन और यहाँ पर पोर्ट्रेट स्क्रीन लॉक, जैसे काफी फीचर्स से आपकी बैटरी पावर सेव होती है इस लो पावर मोड में। सुपर पावर सेविंग मोड का ये ऑप्शन है, ये आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट में और हेल्प करेगा बैटरी में, वो इसलिए क्योंकि जब आप इस फीचर को ऑन कर देते हैं, और कुछ फोनों में सिंपल मोड के नाम से भी जानते हैं और किड्स मोड के नाम से भी अभी आ रहे हैं, हालांकि एंड्रॉइड 12 में सिंपल मोड के नाम से ऐसे सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी जो है आपको क्या करना है, जब इसको ऑन कर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर सीधा मेंशन है ओनली इनेबल द कॉन्टैक्ट फोन मैसेज एंड क्लॉक। सिर्फ चार ही ऐसे ऑप्शन है, एप्लीकेशन है, दैट मीन्स कि आप जब इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे वही बस चार एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, और फोन में कोई चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते, वीडियोज़ हो चुका या फिर गेम कोई हो गया या फिर इंटरनेट एक्सेस करना हुआ, ये सारी चीज़ें डिसकनेक्टेड हो जाएंगी। जब आपका फ़ोन किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं रहेगा या फिर अपना डाटा वगैरह नहीं यूज़ करेंगे उसमें, तो डेफिनेटली वहाँ से बैटरी पावर बचेगी ही आपको। तो इसे इमरजेंसी टाइम में यूज़ करना, ना कि आप इसे हमेशा, हालांकि यूज़ तो हमेशा कर सकते हो, लेकिन आप अगर हमेशा यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बैटरी चलेगी, मान के चलिए आप इससे काफ़ी ज़्यादा बैटरी सेव कर सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मल यूज़ करना है, 20% है, 10% है, तो इसमें अराउंड 30 मिनट 1 आवर्स का बैकअप आप ले सकते हैं।
वैसे पावर कंजप्शन रैंकिंग का ऑप्शन है, इसमें आप चेकआउट कर सकते हो कौन सा सिस्टम आपका सबसे ज्यादा बैटरी का यूज कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप देखेंगे तो हमारा YouTube यहाँ पर 14% यूज कर रहा है। अगर मैं YouTube को थोड़ा सा कम कर दूँ यूज करना तो हम यहाँ से भी बैटरी पावर को बचा सकते हैं। नीचे देखेंगे हाई बैकग्राउंड पावर कंजप्शन, बैकग्राउंड क्लोज कैसे करते हैं, एप्लीकेशन जो रन करते हैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, चैनल पर देख सकते हो या फिर आई बटन पे आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, उसमें देख के आप बैकग्राउंड पावर मोड रन करते हैं जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन उसे आप क्लोज कर सकते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो हमारा YouTube म्यूजिक है 55.2 mAh की बैटरी यूज कर, जो काफी ज्यादा हाईएस्ट है। हालांकि मैंने इसको ऑन कर रखा है कि ताकि जब ये यूज हो तो ये सिर्फ डिस्प्ले पे यूज हो, ना कि बैकग्राउंड से बैटरी हमारी यूज कर पाए। अगर ऐसा होता तो आप इसको जस्ट ऑन कर दीजिए तो ये बैकग्राउंड से बैटरी आपका यूज नहीं कर पाएगा। सो यही कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये सारे सेटिंग्स समझ में आए होंगे, और ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होते हैं, ये प्रॉपरली वर्क करते हैं तो आप इसे अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे गाइस। फिलहाल हम मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।